हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी. टुडे वी विल डिस्कस अगेन एक्सरसाइज 10.1, क्लास 8, चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन. स्टूडेंट, आज भी देखिए कुछ और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये. स्टूडेंट, ए फैमिली ऑफ सिक्स पीपल हैव एनफ स्टॉक ऑफ ग्रेन टू लास्ट फॉर 40 डेज. एक फैमिली जिसमें 6 पीपल हैं, उनके लिए ग्रेन का स्टॉक 40 डेज के लिए एनफ है, 40 दिन तक चल सकता है. बट ड्यू टू द अराइवल ऑफ सम रिलेटिव्स द फूड वॉज कंज्यूम्ड इन 30 डेज. लेकिन कुछ और रिलेटिव्स आ जाते हैं और ज्वाइन करते हैं फैमिली को, देन फूड इज कंज्यूम्ड इन 30 डेज. 30 डेज में ही कंज्यूम हो जाता है. तो हाउ मैनी गेस्ट ज्वाइन द पीपल फैमिली, ज्वाइन द फैमिली, तो उस फैमिली में कितने लोग ज्वाइन हुए, आए नए जो गेस्ट आए हैं, वो हमें फाइंड करने हैं. तो लेट ज्वाइन द फैमिली ले नंबर ऑफ गेस्ट, लेट द गेस्ट join equal to x. अब स्टूडेंट देखिए, पीपल एंड नंबर ऑफ डेज. स्टूडेंट, जब फैमिली में 6 पीपल हैं तब स्टॉक 40 डेज के लिए एनफ है. लेकिन जब कुछ और ज्वाइन करते हैं गेस्ट, तब वो 30 डेज तक ही चलता है. और हमें ये फाइंड करना है कि कितने पीपल ज्वाइन हुए हैं, हमने एक्स फाइंड किया. सो स्टूडेंट, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक्स की तरफ तो आप एरो लगा ही दें. और उसके बाद आपको कंपेयर देखिए इस तरीके से करना है कि जब 40 डेज चलता है स्टॉक, ग्रेन का स्टॉक, तब 6 पीपल हैं फैमिली में. जब वो ही स्टॉक 30 डेज तक, सेम स्टॉक 30 डेज तक चलेगा, तो पीपल कितने होंगे? तो स्टूडेंट, जब कम दिन तक चलेगा, इसका मतलब फैमिली में मेंबर बढ़ गए हैं. तो स्टॉक जो है वो कम दिन जब चल रहा है, तो इसका मतलब पीपल बढ़े हैं. तो यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर ग्रेटर न्यूमेरिकल है, उसकी तरफ आप एरो लगाएंगे. ये देखिए, सो इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोग बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो है जिस कंज्यूम करने का, वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो ये इन्वर्सली होता है. तो एक्स अपॉन 6 इक्वल टू 40/30. अब देखिए स्टूडेंट, हमने 0 से 0 कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x इक्वल टू 6 × 4, x इक्वल टू 6 × 4/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 8. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है कि 30 डेज तक जब वो स्टॉक चलेगा ग्रेन का, इसका मतलब जो नंबर ऑफ पीपल होंगे फैमिली में, वो 8 होंगे. बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कितने ज्वाइन करेंगे, तो 6 पीपल तो वहाँ पहले से ही हैं, अल्टरनेट हैं वहाँ पर पहले से फैमिली में, और टोटल 8 30 डेज में कंज्यूम करेंगे स्टॉक को. इसका मतलब 8 - 6, 2 पीपल और या 2 गेस्ट जो हैं उन्होंने फैमिली को ज्वाइन किया है. तो देखिए यहाँ पर, गेस्ट ज्वाइन द फैमिली, गेस्ट ज्वाइन द फैमिली इक्वल टू 8 - 6, 2. देखें स्टूडेंट, इसका मतलब है कि उस फैमिली में 2 गेस्ट और आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, और टोटल 8 पीपल हो गए हैं
इसीलिए ग्रेन का जो स्टॉक है वो 30 डेज तक ही एनफ होगा। क्लियर होगा होगा स्टूडेंट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम ए रोल ऑफ क्लॉथ 12 पीसेज ईच ऑफ लेंथ 5 मीटर कैन बी कट इफ द पीसेज नीडेड आर ऑफ 4 मीटर लॉन्ग हाउ मेनी पीसेज कैन बी मेड आउट ऑफ दिस क्लॉथ। क्लॉथ एक रोल ऑफ क्लॉथ है स्टूडेंट, जिसमें कि 12 पीस कट किए जाते हैं और लेंथ है 5 मीटर ईच। सेम उसी रोल से अगर 4 मीटर लॉन्ग लेंथ का पीस कट किया जाए तो नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो लेंथ है ईच पीस की उसको डिक्रीज किया जा रहा है 5 से 4। तो जब क्लॉथ की ईच पीस की जो लेंथ है उसको कम किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा हो जाएंगे और ये इन्वर्सली होगा। तो नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ पीसेस लेंथ ऑफ पीस लेंथ ऑफ पीसेस स्टूडेंट 12 पीसेस कट किए जाते हैं जब लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर ईच, और जब 4 सेंटीमीटर ईच होगी लेंथ तब एक्स। तो हमने एक्स की तरफ तो एरो लगा ही दिया। अब कंपेयर करें, जब 5 पीस हैं, जब 5 मीटर लेंथ रख रहे हैं तब 12 पीसेस हैं, जब 4 मीटर लेंथ रखेंगे तब पीसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमने जो ग्रेटर वैल्यू है, इंक्रीज वैल्यू है, उसकी ओर हमने एरो पुट किया। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शन और इसमें देखिए x अपॉन 12 इक्वल टू 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5 x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5/4 4 3 12 15। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट जब लेंथ ऑफ पीस इन डिक्रीज की गई है 4 सेंटीमीटर कर दी गई है तो जो नंबर ऑफ पीस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और 12 थे पहले, अब 15 पीसेस बनेंगे रोल ऑफ क्लॉथ से। क्लियर स्टूडेंट। सो आई होप दैट स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमने जो ये क्वेश्चन किए हैं जिसमें कि कुछ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी थे कुछ इन्वर्सली भी थे, क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसको पहचानते हैं कि इन्वर्सली है या डायरेक्टली है और किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज के, कुछ इस एक्सरसाइज के भी सॉल्व फिर करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।